अपने शब्द दिए जा रहा हूँ उसे फेंक मत देना, उसे अपने घर या आंगन में संजो कर रखना, मेरा कहना कभी नहीं मरेगा। उलगुलान उलगुलान, यह शब्द मिटाए न जा सकेंगे, यह बढ़ते जाएंगे, बरसात में बढ़ने वाले घास की तरह बढ़ेंगे। तुम सभी लोग कभी भी हिम्मत मत हारना, उलगुलान जारी है। आपने ठीक पहचाना, जननायक बिरसा मुंडा के यह विचार है। स्थानीय मुंडारी लोकगीतों में इस विचार को गाया जाता है। उन्होंने जिस समाज व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई छेड़ी थी उसे उन्होंने उलगुलान कहा, अर्थात महान संघर्ष। उनके इस उलगुलान से डरे हुए कुछ लोगों ने इनाम की खातिर अंग्रेज पुलिस के पास उन्हें पकड़कर गिरफ्तार करवाया। 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा ने रांची कारागार में आखिरी सांस ली। उन्हें प्राप्त 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने जिस क्रांति का आगाज किया वह आज न केवल झारखंड के आदिवासी और मूल निवासियों को बल्कि देश भर के मूल निवासियों के लिए हमेशा हमेशा के लिए प्रेरणादायी है। बिरसा मुंडा के विचार, संघर्ष और बलिदान ने उन्हें बिरसा से भगवान बिरसा बना दिया। आज भी हम लोग बिरसा और तमाम हमारे महानायक महानायिकाओं के विचारों पर आगे बढ़ते हुए हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब हमारी लड़ाई संविधान को लागू करने की लड़ाई है, क्योंकि जो हक अधिकार भगवान बिरसा ने हमें बताए वे अधिकार संविधान में दिए गए हैं। इसलिए संविधान को लागू करने की लड़ाई हमें लड़नी है। संविधान को लागू न करवाने के कारण हालात आज भी वैसे ही हैं जैसे भगवान बिरसा मुंडा के समय थे। आज केवल बाहरी विकास हुआ है, बड़ी बड़ी रेलगाड़ियाँ, रस्ते, ट्रक, बसें, हवाई जहाज, बड़े बड़े कारखाने, मिले, न जाने क्या क्या झारखंड में है, लेकिन आज भी मूल निवासी आदिवासी जंगलों से खदेड़े जा रहे हैं। आज भी जमीनों के जो असली दावेदार है उन्हें जमीन नहीं दी जा रही है, सत्ता से बेदखल किए जा रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची से 70 किलोमीटर दूर खूंटी जिले में पहाड़ों जंगलों से घिरे उलिहातु गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था, लेकिन आज भी यह हालात है कि इस गांव के आदिवासी भगवान बिरसा मुंडा के वंशज अपने सर्वांगीण विकास के लिए आस लगाए बैठे हैं। सत्ता में बैठे राजनीतिक दल के लोग रोज एक नई घोषणा करते हैं, घोषणाओं का विकास हो रहा है लेकिन आदिवासियों का विकास नहीं हो रहा। अभी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने कहा कि BAU अर्थात बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिरसा मुंडा के गांव उलिहातु को गोद लेगा और कृषि से जुड़े सफल तकनीकों के प्रसार से जनजातियों किसानों की आमदनी बढ़ाएगा। सवाल केवल यह नहीं कि आज क्या कर रहे हैं, सवाल यह भी है कि 1950 से अब तक क्या किया, संविधान को लागू क्यों नहीं किया। लेकिन इसके लिए केवल शासक जातियों को दोष देकर नहीं चलेगा, कुछ दोष हमें अपने आप को भी देना चाहिए, क्योंकि हम हमारे महानायकों के विचार भूल गए हैं। हम भूल गए कि बिरसा मुंडा उनका आंदोलन 3 तरों पर चलाए थे। पहले हिस्से में उनके कुछ विश्वास पात्र लोग जिन्हें शिक्षक या गुरु के स्थान पर माना जाता था उनके घर प्रत्येक गुरुवार और रविवार को आंदोलन, समाज और धर्म के विचारों को लेकर बैठकें, अभ्यास वर्ग होता था। दूसरे हिस्से में जो अनुयायी बाहर गांव की यात्रा नहीं कर सकते थे वे अपने ही क्षेत्र में आंदोलन का आवश्यक संसाधन जैसे कि शस्त्र आदि इकट्ठा करते थे और कार्यकर्ताओं को युद्ध का प्रशिक्षण देते थे। तीसरा हिस्सा था जिनमें ज़्यादातर ऐसे लोग होते थे जो आंदोलन में अभी अभी जुड़े हैं, सीख रहे हैं, अर्थात नए हैं। उनका कार्य होता था जो सीखा समझा उसका प्रचार प्रसार करना। ज़्यादातर भगवान बिरसा द्वारा बताए गए विचार, धर्म विचार या गुरुवार और रविवार के अभ्यास वर्गों में सीखी बातें, इनका प्रचार प्रसार करना, यह इन नए कार्यकर्ताओं का काम था। साथियों, हमें हमारे महानायक महानायिकाओं के आंदोलन और विचारों को भूलना नहीं चाहिए। हमें यह बताया जाता है कि बिरसा मुंडा का आंदोलन यह केवल अंग्रेजों के खिलाफ था। हमें यह भी बताया जाता है कि उनकी लड़ाई महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जैसे अंग्रेजी सत्ता से आज़ादी के लिए थी।
लेकिन सच्चाई यह है कि जननायक बिरसा मुंडा ने जो लड़ाई छेड़ी थी वह जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ थी और साथ ही हमारे जल जंगल जमीन के अधिकार के लिए थी। बिरसा मुंडा ने सूदखोर महाजनों के खिलाफ जंग छेड़ा था। यह महाजन जिन्हें वे दिकू कहते थे कर्ज के बदले आदिवासियों की जमीन पर कब्जा कर लेते थे। बिरसा ने अधिकार का युद्ध छेड़ा, साथ ही नए समाज के लिए धर्म जैसा विचार भी दिया। भगवान बिरसा ने हमें कहा, चोरी करना, झूठ बोलना, हत्या करना अन्याय है। किसी ने भी भीख नहीं मांगनी चाहिए, भीख मांगना बुरा है। हमारा समाज गरीबी में जी रहा है, इसलिए किसी की आज्ञा पर विश्वास रखकर बलि देना, पूजा करना बंद करें। ढेर सारी देवी देवताओं की पूजा करना बंद करें। भूत पिशाच डायन आदि बातों पर विश्वास रखना बंद करें। ताड़ी हड़िया महुआ यह सभी नशीली पदार्थ शैतान का घर है, इन सभी मादक पदार्थों का सेवन करना बंद करें। चीटियों जैसे परिश्रमी बने, सतत परिश्रम करें, हार मत माने। पशुओं और पंछियों से एकजुटता का संगठन का सबक ले और वैसा जीवन जिए और सभी पर प्रेम करें। हमारा संघर्ष हजारों सालों से चल रहा है। संविधान सभा के सदस्य जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान सभा में ही कहा था कि हम सिंधु घाटी के सभ्यता की पैदाइश है। यह सभ्यता हमें स्पष्ट रूप से यह बताती है कि नवांगतुकों ने हमारे लोगों को सिंधु सभ्यता से जंगल में खदेड़ दिया। यहाँ बैठे आप जैसे अधिकांश लोग ही ऐसे ही नवांगतुक घुसपैठिए है। जयपाल सिंह के संविधान सभा में दिए भाषण हमें अभ्यास करने होंगे। भगवान बिरसा मुंडा के आंदोलन से जो बातें हमें सीखनी मिलती है वह यह कि आदिवासी मूल निवासी है और मूल निवासियों की एक सभ्यता थी जिसमें लोकतांत्रिक पद्धति थी। आज हम उसे भूल गए हैं। हमें आदिवासी मूल निवासी होने पर गर्व होना चाहिए। आज हमारी जो भी समस्याएं निर्माण हुई है वह आर्यों के आक्रमण के कारण हुई है। मूल निवासी आदिवासी आर्यों की समाज और धर्म व्यवस्था का हिस्सा नहीं थे और आज भी नहीं है। आज जिस तरह से कुछ आर्य ब्राह्मणवादी ताकतें आदिवासियों के क्रिश्चनीकरण के बारे में चिल्लाते हैं, लेकिन हमारे आंदोलन की यह मान्यता है कि आदिवासियों का जबरन हिंदूकरण भी हो रहा है और उन्हें केवल जंगलों तक सीमित रखने के लिए वनवासी कहकर अपमानित किया जा रहा है। यह तब तक होते रहेगा जब तक हम खुद सत्ता में पहुंचकर संविधान को लागू नहीं करते। साथियों, MNT न्यूज़ नेटवर्क आपको केवल खबरें नहीं देता है, खबरों के अलावा कई महत्वपूर्ण जानकारी भी MNT न्यूज़ नेटवर्क पर दी जाती है। आशा है कि आप वे सभी वीडियो देखते होंगे। आपका मनोरंजन करना यह हमारा उद्देश्य नहीं है। यह चैनल फुले अम्बेडकरी आंदोलन के लिए समर्पित चैनल है, इसलिए इसका मोटो इन्फॉर्म एजुकेट मोटिवेट रखा गया है। आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं इसकी प्रतिक्रिया कृपया चैनल को YouTube पर या Facebook पर विजिट करके वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को अपने संपर्क के लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।